दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय नगर परिषद पांटा साहिब। हड्डियों के हर दर्द को दूर करने की विद्या पीडब्ल्यूडी में तैनात विद्या दत्त के पास मौजूद है। जी हाँ, पांव में मोच आए, कंधा उतर जाए या फिर अन्य किसी तरह की हड्डी दाएं बाएं हो जाए या हड्डियों से संबंधित अन्य कोई भी रोग हो, सबको विद्या दत्त छू मंतर कर देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये शख्स लोगों के दर्द को दूर करने के लिए एक भी पैसा तक नहीं लेता है। अलबत्ता हिमाचल ही नहीं अपितु बाहरी राज्य से भी लोग इस शख्स के पास पहुंचते हैं। जानकारी के लिए बता दें, सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में लोक निर्माण विभाग के क्लर्क के पद पर तैनात विद्या दत्त हड्डियों के दर्द को छूमंतर कर देते हैं। जब बड़े बड़े अस्पतालों में लोगों को भारी खर्च कर इलाज के बावजूद निराशा हाथ लगती है तो उस समय उन्हें बस एक ही नाम याद आता है जो इन लोगों को दर्द से बाहर निकाल कर मेडिकल फिट करता है, वो है विद्या दत्त। जो ना लॉक होती है आपकी एज में जाके, जो जितना इसके अंदर डिफेक्ट है ना, ये 3 महीने से बाद जाके 1 महीने तक तो यहाँ तक बाजू तुमने चला ही आया इसको। अब जब इसमें दर्द होता था काम करके यहाँ रखता था तो इसको यहाँ दर्द बंद हो जाता था, रखा नहीं तुमने यहाँ, बोल हाँ या ना। हाँ जी क्या करूँ। विद्यादत्त पिछले 27 वर्षों से आम जनमानस की भरपूर सेवा करते आ रहे हैं। उनके पास रोजाना 150 से 200 लोग यहां पहुंचते हैं। इस बारे में विद्यादत्त ने बताया कि उन्हें यह हुनर उनके पिता से विरासत में मिला है। दिन में 5 से 6 घंटे मरीजों की सेवा करने का अवसर विभाग द्वारा ही उन्हें मुहैया कराया गया है। इसके लिए उन्हें एक कमरा भी अलग से बनवा कर दिया गया है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, ठीक है। हॉस्पिटल में हड्डी का डॉक्टर मैं नारद से आई हूँ और जी मैं 4 महीने पहले गिर गई थी ना, और उसमें टांग में पता नहीं डॉक्टर ने बोला, बोले मांस मेरा फट गया, मतलब डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला मांस मेरा, इंजेक्शन भी करवाया, फिर मेरे को आराम नहीं हुआ। उसके बाद हम फिर एक नर्स वालों के पास गए कंडागार साइड, वहाँ पे भी मेरे को फर्क आया। फिर किसी ने बताया, बोले यहाँ जाओ, अब यहाँ आए थे, मेरे को यहाँ से काफ़ी फर्क पड़ रहा है, मतलब मैं 1 हफ्ते के अंदर फर्क आ गया था मेरे को, मतलब मैं चल नहीं पाती थी, मेरी टांग पीछे को बिल्कुल नहीं होती थी, मैं उठा दे रखती थी, अरे बड़े पेड़ नहीं होती थी ना, और बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टांगों में मतलब चलने में भी थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब यहाँ से मेरे को बहुत आराम मिला है। सेवा है इसमें, सबसे पहले मेरे फादर इसमें काम करते थे और उनके साथ मैं बैठ कर बहुत समय से, लंबा समय खींच के इसको सीखा है। इसमें सीखने में मैं उस टाइम मेरी एज 10 से 12 साल की एज थी और उसके बाद मैं 18-20 साल का हो गया था, तब तक मैंने 8-10 साल इसको कंटिन्यूस हर टाइम उनके साथ इस काम को सीखा है। और 1994 में फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद तब से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू इसको समाज सेवा को करता रहा हूँ। और इसमें हर एक किस्म का लोग आते हैं और लोगों के बीच हर एक स्टेट से, जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल अपना सारा है, गांव के मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम हमने गांव के ऊपर बड़ा ध्यान दिया है, गांव के मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं 80% लोग हमारे से साथ हैं। और आज यहां इस नाहन शहर के अंदर भी मेरे को 22-23 साल कंटिन्यूस पर डे चेक करते हुए हो गया है। और आपने तो यहाँ देख लिया है जिस हिसाब से होता है, तो कम से कम 5-6 घंटे कंटिन्यूस, 25 साल से कोई भी लंच ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस यहाँ पे लोग होता है। उस टाइम से हमने 1995 से ही फर्स्ट से इसका खाना छोड़ दिया था लंच, और लोगों की सेवा कर रहे हैं जैसे की जा रही है। देखिए, PWD विभाग का तो मेरे पास बहुत शान है, आभार है इनका, कि आज
तक इन्होंने हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं बोला और आपने बड़ी हेल्प दी है। सभी लोग देखते हैं ओपन में काम करते हैं, कोई पर्दे वाला काम नहीं है। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो दुनिया हेल्प करती है, जब कोई गलत काम करता है तो लोग उसको पकड़ते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट का बड़े आभारी हूं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नाहन से राकेश थापा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद पांटा साहिब की ओर से 21 मार्च से 30 मार्च 2019 तक मनाए जा रहे होला मोहल्ला के पावन पर्व पर समस्त प्रदेश व पांटा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद पांटा साहिब स्थानीय जनता व मेले में आने वाले सभी लोगों से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग के लिए अपील करती है।